और इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा क्षेत्र से बड़ी खबर। आपको बता दें कि लगातार शारदा बैराजों में छोड़ा गया लाखों की उसे पानी के बाद रामपुर मथुरा क्षेत्र की स्थिति इस वक्त भयावह उठी है, जिसके चलते आपको बता दें कि सीतापुर के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौके पर पहुंचे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने। ज्यादा कुछ जानकारी के लिए फोनलाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश बताएं इस वक्त कहां पहुंचे और क्या निरीक्षण कर रहे हैं। जी निशांत जी, आपको जानकारी दे दें कि जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, शिवता विधायक ज्ञान तिवारी और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता सभी लोग कन्हई घाट पहुंचे हैं। वहां पर कछुआ पुल का निरीक्षण किया है और ये जो कन्हई घाट है यहां कछुआ पुल लगाया जाता है, बरसात के समय हटा दिया जाता है, उसका निरीक्षण किया है। और जो शिवता के विधायक हैं ज्ञान तिवारी, उन्होंने जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे मांग की है कि इस पुल को हमारे बनवा दीजिए, ताकि जो उस पार के ग्राम पंचायत है सुकुलपुरवा और सुकुलपुरवा से जो उनके मजरे हैं जगतोपुरवा, नयापुरवा और सारे मजरे जो हैं, इन सब लगभग जो बताया जाता है कि 20,000 की आबादी जो प्रभावित होती है वो सकुशल लगातार चलती रहेगी। और उसके बाद में जो प्रभावित गांव हैं उनको जब पुल बन जाएगा तो थोड़ा आराम मिल जाएगी और राहत मिल जाएगी। इसके लिए लगातार ज्ञान तिवारी प्रयासरत हैं और लगातार ज्ञान तिवारी मांग भी कर रहे हैं इसकी। दुर्गेश और जी जी बताएं, साथ में जिला अधिकारी अभिषेक आनंद जी भी साथ में मौजूद हैं और उनके साथ में लगातार। दुर्गेश जी जानना चाहेंगे कि जब मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह वहां पहुंचे हैं तो क्या निरीक्षण में देखा और क्या क्या देखा, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाके में गए हैं तो वहां लोगों से बातचीत भी की है क्या? जी अभी तो पहले तो कन्हई घाट पहुंचे हैं, कन्हई घाट पर लोगों से बातचीत की है और वहां पर जो जिलाधिकारी हैं अभिषेक आनंद और उनके साथ शिवता विधायक ज्ञान तिवारी ने पुल की मांग की है, क्योंकि वहां जो सबसे पहले मजबूत जो था कछुआ पुल लगाया जाता है 4 महीने के लिए और उसके बाद में वो हटा दिया जाता है, जिसके बाद में नाव से आवागमन होता है और लगभग 20,000 की आबादी इससे प्रभावित होती है, जिसकी वजह से लगातार ज्ञान तिवारी इसके लिए प्रयासरत हैं और फिर आज प्रभारी मंत्री को लेकर आए हैं कन्हई घाट में। उसके बाद में बाढ़ क्षेत्र जो है उस वहां पहुंच रहे हैं और यहां पर जो कन्हई घाट है सबसे मेन उद्देश्य जो बताया जा रहा है कि ज्ञान तिवारी ने जो मांग की है वो सबसे पहले कि हमारा ये पुल दे दीजिए जिससे हमारी जो 20,000 की आबादी प्रभावित होती है वो प्रभावित ना हो। और ये लोग कभी कभी चुनाव में भी बता देते हैं कि हम पुल ना बनने की वजह से वोट नहीं डालने जाएंगे, तब लोगों से विनती की जाती है उसके बाद में वोट डालने जाते हैं। बिल्कुल, पुल पर जो निर्माण की बात कही है, क्या बात हुई है पुल में, क्या उन्होंने आश्वासन दिया मंत्री ने? उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि हम प्रमुख सचिव से मिलकर के जल्द ही इसकी बात करके उसके बाद में जल्द ही इसका निस्तारण करके और पुल बनवाने की काम करेंगे। इस दौरान उनके कौन कौन मौजूद है? जी बता दें, दौरान निरीक्षण के दौरान शिवता विधायक ज्ञान तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जो हैं शिव कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष और जिला अधिकारी अभिषेक आनंद और एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीओ दिनेश शुक्ला और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के, ये सभी लोग इनके साथ में मौजूद हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा क्षेत्र के कन्हई घाट पहुंचे सीतापुर प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। वहां पहुंच करके पहले तो कन्हई घाट पहुंचते हैं, वहां पर निरीक्षण करते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो सेवता विधायक हैं ज्ञान तिवारी, उन्होंने वहां पर एक पुल की मांग की थी, जिसके चलते उन्होंने बताया कि पहले जो पुल लगता था और उसे पुल बना दिया जाए, क्योंकि पुल के न होने से आवागमन में काफी लोगों को दिक्कत होती है, कई आबादी प्रभावित होती है। फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया। आपको इस बात में बता दें कि जो प्रभारी मयंकेश्वर सिंह मंत्री हैं, ये वहां पर अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी करेंगे और उसके बाद वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और भाजपा के तमाम नेता, जिलाध्यक्ष समेत सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल नजरें बनाए रखिएगा। दुर्गेश, आपसे अभी फिर जुड़ते हैं, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।